गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें एपी में अगर कोई भी आपको टर्म पूछी जाए उसको कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या बोला गया है। विच टर्म ऑफ एपी, हमें एक एपी गिवन है। सबसे पहले मैं एपी को लिख लेता हूँ, 3, 8, 13, 18 अप टू ये एपी हमारे पास है 78 तक। ठीक है, हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस एपी में जो भी चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, तो इसमें ए कितना है हमारे पास, 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि हम डी को कैसे निकाल लेंगे। अब डी के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से कट करना सारा है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं डी। डी की वैल्यू क्या होती है, a3 - a2। a3 में से a2 को माइनस करेंगे, देखिए a3 कितना है हमारे पास, 13। 13 में से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 8 को। 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5। तो यानी कि मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसके बाद हमारे पास जो ये लास्ट में गिवन है इसको हम बोलते हैं an। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an। ये हमें गिवन है 78। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a+(n-1)d = an। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, a+(n-1)d = an। तो यहाँ पे हम पहले पुट करते हैं a की वैल्यू, 3 प्लस साथ में लिखेंगे n-1 और d कितना है मेरे पास, 5 = an कितना है, 78। तो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर ली है। इसको ओपन करो, 3 + n-1 = 78। तो हमारे पास आ जाएगा n-1 = 5। ये जो 3 है इसको उधर ले जाते हैं, 78 - 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n-1 = 5 = 78। में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 75। और यहाँ से हमारे पास n-1 की वैल्यू आ जाएगी 75/5। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 और 5×5 = 25। तो हमारे पास n-1 की वैल्यू आ जाती है = 15। तो फाइनली हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि एपी की कौन सी टर्म है जो 78 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th का सेकंड पार्ट, जिसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास एक एपी गिवन है 7, 13, 19 up to ... 205। ये हमारे पास एक एपी गिवन है। सेम इसमें भी हमें यही बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एन की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, दैट इज 7, और डी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, a3 - a2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, a3 मेरे पास है 19 माइनस a2 कितना है, 13। 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सेम इसी तरह जैसे हमने इसमें यूज़ किया था ये फॉर्मूला, यहाँ भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे a+(n-1)d = an। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू मेरे पास है 7, साथ में लिखेंगे n-1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 6 = और an की वैल्यू कितनी है, 205। an बोलते हैं जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है, इसको हम an बोलते हैं। तो इसको ओपन करो, हमारे पास कितना आएगा, देखिए
एन माइनस वन साथ में सिक्स इज इक्वल टू 205 माइनस यहाँ से 7 माइनस कर देते हैं। तो इसको ओपन करो ऊपरली साइड में, देखो n माइनस वन साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 205 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198 अपॉन में ये जो 6 हमारे पास था यहाँ पे, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, इसको कटिंग करो 6 3 जा 18 6 3 जा 18, तो हमारे पास n माइनस वन की वैल्यू आ जाती है 33। तो फाइनली हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 33 प्लस वन, ये जो वन है उधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 33 और वन कितना होता है 34, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। चलिए उसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट लिख रखी है 18, 15 × 1/2, 13 और एंड सो ऑन, ये हमारे पास एपी जा रही है माइनस के 47 तक। ठीक है, इस तरह से आपके पास लिखी हुई है। तो जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं ए, तो हमारे पास ए कितना है 18, और डी कैसे निकाल लेंगे हम, डी का फॉर्मूला क्या होता है a3 - a2। आप चाहे तो ए डी को जो है वो a2 - a1 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर आप कोशिश कीजिए कि a3 - a2 का ही ज़्यादातर यूज़ कीजिए, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे यहाँ पे आएगा मेरे पास 13 आएगा, यहाँ पे इसको माइनस कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13 - 15 × 1/2। इसको ओपन करो कितना आएगा ये 13 - 15 × 2 = 30 और प्लस 1 तो 31/2। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, 13 × 2 = 26 माइनस और 31 को हम एस टी लिख देते हैं, तो 26 में से 31 को माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस के 5 और साथ में नीचे आ जाएगा 2। तो इस तरह हमने क्या है इसमें डी निकाल लिया है। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है इस टाइप के क्वेश्चनों में जिसमें हमें डी इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन होता है, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस के 5/2। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थी 18 और डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी माइनस के 5/2। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, कितना दे रखा है हमें ये माइनस के 47, जिसको हम बोलते हैं ए एन। तो ए मेरे पास है 18 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 47। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, लास्ट में इसको 18 को उधर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन साथ में माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 47 माइनस 18। अब क्या करेंगे माइनस एन माइनस वन माइनस के 5/2 इज इक्वल टू 47 और 18 को दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 65। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के 65, इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और माइनस के 5 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा हमारे पास, इसके साथ इसको कट कर देंगे माइनस के साथ माइनस को, 5 को इस पर कट करो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो n माइनस वन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 × 2 = 26, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 और ये 1 उधर जाके प्लस को हो जाएगा, तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 27। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हमारे पास n की वैल्यू निकालनी होती है बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आपको d ध्यान से निकालना होता है इसमें, बाकी तो आप फॉर्मूले वगैरह में यूज़ कर ही सकते हैं सिंपली इस फॉर्मूले में,
जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। बाकी सारा काम आपका आसान ही रहता है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जो डी निकाल रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए आप, ऑल द वेरी बेस्ट।